रीको द्वारा मंगलवार को ई नीलामी में किए जा रहे भूखंडों की जानकारी हेतु बिजनेस प्रमोशन एवं प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया गया। वरिष्ठ उप महाप्रबंधक पीआर मीणा ने बताया कि शिविर में ग्रोथ सेंटर में स्थित आवासीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक भूखंडों की जानकारी दी गई। ग्रोथ सेंटर में 138 आवासीय, 2 औद्योगिक व 1 व्यावसायिक भूखंडों की ई नीलामी की जा रही है। ई नीलामी के इच्छुक व्यक्ति 22 फरवरी तक ऑनलाइन अमानत राशि तक जमा करवाकर भाग ले सकते हैं। शिविर में लगभग 30 उद्यमियों ने भाग लिया है, जिसमें सिंथेटिक विविंग एसोसिएशन के महासचिव साबिर खान, रिको ग्रोथ सेंटर उद्योग संस्था के अध्यक्ष जेपी गदिया व महासचिव रामप्रकाश काबरा प्रमुख थे। सभी उद्यमियों ने मौके पर पहुंचकर आवासीय कॉलोनी का निरीक्षण किया एवं सभी ने ई नीलामी में भूखंड आवंटन हेतु रुचि दिखाई। 246 आवासीय भूखंड नियोजित किए गए हैं, उसमें से 138 भूखंडों की नीलामी रखी गई है। इनमें ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवंटन किए जाएंगे। उसमें से कुछ भूखंडों का जो उद्यमी है, ग्रोथ सेंटर के उद्यमी, उनके लिए हैं और कुछ जो प्लॉट है वो आमजन के लिए हैं। नीलामी कल 8 तारीख से प्रारंभ हो गई है, जो 22 तारीख तक चलेगी। उस उक्त दिनांक में जो है अमानत राशि जमा करा के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज हमने कैंप रखा गया है, उसमें से उद्योग एसोसिएशन के जो विविंग मिल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं साबिर खान जी हैं, रिको ग्रोथ सेंटर के गदिया जी हैं, काबरा जी हैं उपस्थित हुए। उन्होंने हाउसिंग कॉलोनी का मौका निरीक्षण भी किया गया और कॉलोनी को बहुत अच्छा बताया उन्होंने। संभावना की बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।